ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रीज. ट्री क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास जो डेटा आइटम्स हैं वो एक सॉर्टेड सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, और डेटा आइटम के बीच में एक हायरार्किकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्री का यूज़ किया जाता है. और ट्री एक फ्लेक्सिबल और एक पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है, राइट. उसके बाद हमारे पास, मैंने यहाँ पे एक ट्री कंस्ट्रक्ट किया हुआ है जिसमें हमारे पास कुछ नोड हैं, जिसमें हमारे पास डेटा आइटम हैं, और उन डेटा आइटम्स के बीच में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कराया जिसको हम लोग एज कहते हैं. तो ट्री बेसिकली नोड्स और एजेस को मिला के बनाया जाता है. यहाँ हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें ट्री टर्मिनोलॉजीज, उनको हम वन बाय वन देखेंगे. तो इस ट्री की हेल्प से हम लोग देखते हैं. तो फर्स्ट है हमारे पास नोड और रूट. तो जैसे हमारा एक नेचुरल ट्री होता है, तो नेचुरल ट्री जो होता है वो ग्रो करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, फाइन. और डेटा स्ट्रक्चर में जो हमारे पास ट्री होता है वो ग्रो करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो जो हमारी इस ट्री की सबसे पहली नोड होगी वो हमारी होती है रूट नोड. सो द वेरी फर्स्ट नोड इन अ ट्री इज कॉल्ड दी रूट नोड. तो हम इसे कह सकते हैं कि ये है हमारे पास रूट नोड, फाइन. नेक्स्ट इज नोड. नोड क्या होता है? जो हमारे पास डेटा आइटम है उसको हम लोग नोड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ईच डेटा आइटम इन अ ट्री इज कॉल्ड नोड. सो ए बी सी ऑल आर दी नोड्स. और क्योंकि ये सबसे स्टार्ट में है हमारे पास, इसी से हमारा ट्री स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हमने एक नाम दे दिया है रूट नोड. सो नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ अ नोड. अब डिग्री क्या होती है? डिग्री है कि एक नोड के कितने ट्री सब ट्री है, फाइन. एक नोड के नंबर ऑफ सब ट्रीज कितने हैं. अब अगर मुझे, मैं सपोज ए का डिग्री फाइंड करनी है, अभी हम बात करें डिग्री ऑफ अ नोड की. अगर मुझे ए की डिग्री फाइंड करनी है, इस नोड की डिग्री फाइंड करनी है, तो इसके नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? 1, 2 एंड 3. तो पहले मुझे पता होना चाहिए ये एक सब ट्री है, ये एक दूसरा सब ट्री है, और ये एक तीसरा सब ट्री है, फाइन. ये ए हमारे पास क्या है? ये पैरेंट नोड है, और बी सी डी इसके सब चिल्ड्रन नोड हैं. तो एक पैरेंट चिल्ड्रन का रिलेशनशिप भी इनमें मेंटेन रहता है. और बी के चिल्ड्रन कौन है? ई और एफ. इसी तरह डी के चिल्ड्रन एच और आई, और ए आई का ए ग्रैंड पैरेंट हो गया, फाइन. तो पैरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप इसमें होता है. तो अब मुझे जब डिग्री फाइंड करनी, ये सब ट्री हो गए, ए के सब ट्री नोड बी से स्टार्ट हो रहा है सी, तो इसके तीन सब ट्री हो गए, ठीक है. अगर तो मुझे कहना है कि अगर ए की मुझे डिग्री फाइंड करनी है तो ए की डिग्री कितनी हो गई? 3. अब मुझे फाइंड करना है सपोज बी की डिग्री फाइंड करनी है, तो इसके सब ट्री कितने हैं? 1 एंड 2, तो इसकी 2 हो गई. ओके, आई के लिए क्या होगी डिग्री? 1, 2, 3. सी के लिए 1, उसका एक ही सब ट्री है. देन डिग्री ऑफ अ ट्री. अब मुझे ट्री की डिग्री, अभी हमने नोड की डिग्री फाइंड की है, तो नोड की डिग्री क्या थी? नंबर ऑफ सब ट्रीज ऑफ अ नोड इज कॉल्ड दी डिग्री ऑफ अ नोड. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ ट्री. अगर मुझे इस ट्री की डिग्री फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड इन अ गिवन ट्री इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ नोड, ठीक है. इस पूरे ट्री में जिस नोड की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वो क्या कहलाएगा? वो हमारी डिग्री कहलाएगी एक ट्री की. सपोज अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया है, तो ए की जो डिग्री थी वो हमारी 3 है, और आई की भी 3 है, बाकी की 2, 1. और डी की अगर यहाँ पे फाइंड करनी थी तो वो थी 2. तो सबसे ज़्यादा डिग्री हमारी किसकी थी?
ए और आई की 3, तो यही हमारी हो जाएगी डिग्री ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट इज अ टर्मिनल नोड। अब जब हमें पता चल गया डिग्री ऑफ नोड की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं और ट्री की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, तो टर्मिनल नोड को हम इजी से समझ सकते हैं कि जिस नोड की कोई डिग्री नहीं होती या नोड विद डिग्री जीरो इज कॉल्ड द टर्मिनल नोड और वी कैन से लीफ। तो इनमें से कौन सी ऐसी नोड है जिनकी डिग्री जीरो है, जो उनकी सबसे लास्ट नोड होती है। सपोज ई, इसकी कोई डिग्री नहीं है, जे, जी, एच, के, एल, एम, इनकी कोई डिग्री जीरो है। तो टर्मिनल नोड हमारी कौन सी होगी, जो बिल्कुल लास्ट नोड होती है, लीफ नोड्स होती हैं, तो वो है हमारी टर्मिनल नोड हो गई हमारी ई, जे, जी, एच, के, एल और एम। फाइन। और नॉन टर्मिनल नोड पे आते हैं। नॉन टर्मिनल नोड कौन सी होती है, रूट नोड को छोड़ के और टर्मिनल नोड्स को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारी नोड्स एग्जिस्ट करती हैं वो हमारी नॉन टर्मिनल नोड होती है। मतलब जिनकी डिग्री एक या एक से ज़्यादा होती है वो सारी हमारी टर्मिनल नोड होती है। अगर मुझे स्ट्री में कहा जाए कि नॉन टर्मिनल नोड, नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल नोड आपको फाइंड करना है, तो ये तो हमारी रूट नोड हो गई, ये हमारी टर्मिनल नोड्स हो गई। तो नॉन टर्मिनल नोड होंगी बी, सी, डी, एफ, एच, आई। तो टोटल हमारे पास 5 नोड हो गई इसमें। 5 कौन कौन सी, बी, सी, डी, एफ और आई। यस, 5 नोड हमारे पास, या कह लीजिए जो इस पूरे ट्री के रूट और टर्मिनल नोड के बीच में जितनी भी नोड एग्जिस्ट करती हैं वो हमारी नॉन टर्मिनल नोड होती हैं। नेक्स्ट इज सिबलिंग। अब जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी, पेरेंट हैं ये, चिल्ड्रन नोड हैं। एक पेरेंट के अगर 3 चिल्ड्रन हैं तो उन 3 चिल्ड्रन में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, तो हम सिबलिंग को एज अ ब्रदर, एज अ कज़न, ब्रदर, सिस्टर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें एक, ये ए पेरेंट नोड है, इसके सिबलिंग फाइंड करने हैं, तो इसके सिबलिंग होंगे बी, सी, डी। ठीक है, ए के सिबलिंग होंगे बी, सी और डी, और अगर बी के सिबलिंग फाइंड करने हैं तो ई और एफ। नेक्स्ट इज लेवल। लेवल होता है हमारे पास लेवल। तो लेवल में क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा रूट नोड होती है वो उसका होता है लेवल 0, फिर पेरेंट नोड हो गई है, फिर उसके जो चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन नोड का लेवल होता है 1, फिर इसके चिल्ड्रन नोड 2 एंड 3। तो अगर कहा जाए इस ट्री की लेवल कितना है, तो इस ट्री का लेवल हम कहेंगे 3। तो रूट नोड से लेकर लास्ट नोड तक कितने लेवल्स हैं वो यहाँ पर हैं। तो लेवल 0, उसके डिसेंडेंट नोड आ गया लेवल 1, उसके डिसेंडेंट लेवल है हमारा 2, फिर इसी तरह सो ऑन अप टू, ये ट्री हो गया हमारा 3, 0 2, 0 1 2 एंड 3, ये हो गया हमारा लेवल। द नेक्स्ट इज एज। एज एज क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि जो ट्री है हमारा वो नोड और एजेस के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जो दो नोड के बीच में कनेक्शन या लिंक होता है उसको हम एज कहते हैं। सपोज बी और ई हमारे पास डेटा एलिमेंट्स हैं, तो इनके बीच में जो हमने लिंक प्रोवाइड कराया, कनेक्शन है, उसको हम एज कहते हैं। एज के थ्रू हम वो लिंक करते हैं। नेक्स्ट इज पाथ। पाथ क्या होता है, रास्ता। फाइन। तो अगर मुझे रूट नोड से लेकर या किसी भी नोड से लेके उसकी लास्ट नोड तक या जहाँ तक मुझे जाना है उस नोड तक पहुँचने का जितने भी एजेस काउंट किए जाएंगे
वो हमारा पाथ होता है। सपोज़ मुझे ए नोड से एल नोड तक जाना है, ए डेटा आइटम से एल डेटा आइटम तक जाना है, तो उसका मेरे पास पाथ क्या होगा? ए टू डी, डी टू आई, आई टू एल। तो अगर मुझे ये पेयर्स बनाने होंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी, डी आई एंड आई टू एल, ए डी डी आई आई एल। ये मेरा एक ए टू एल पाथ हो गया है, ए से एल तक जाने का एक पाथ है। नेक्स्ट इज डेप्थ। द वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द डेप्थ और हाइट। अगर हम डेप्थ की बात करेंगे तो हाइट और डेप्थ सेम टर्म। द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड, द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड इन अ गिवन ट्री इज कॉल्ड डेप्थ। या फिर कह सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट डाउनवर्ड पाथ होता है बिटवीन द रूट एंड लीफ इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ अ ट्री। फाइन। तो अगर इस ट्री की हम बात कर रहे हैं तो इस ट्री की डेप्थ हो जाएगी 0, 1, 2, 3, जो हमारा मैक्सिमम लेवल है इसका। ओके। तो आई होप डेप्थ एंड हाइट समझ में आ गया है आप लोगों को। तो आगे चलते हैं, दैट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इन सिंपल वर्ड जंगल। तो अगर हम इस रूट नोड को यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास तीन सब ट्री हो जाते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बना के दिखाए थे आपको। ए के लिए एक सब ट्री तो हमारे पास ये था, एक सी के थ्रू था और एक डी के थ्रू, ये हमारे पास क्या थे? सब ट्री थे। अगर मैंने रूट नोड ए को हटा दिया यहाँ से तो ये सब ट्रीज अलग हो जाएंगे, तो ये हमारा कहलाएगा फॉरेस्ट। सो दैट इट्स ऑल अबाउट द ट्री एंड ट्री टर्मिनोलॉजीज। सो नेक्स्ट टेक लेक्चर विल बी ऑन बाइनरी ट्री एंड टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। उसमें हम लोग कवर करेंगे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। सो थैंक यू सो मच।